स्पीकर साहब, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या हबीबुल्लाह। स्पीकर साहब, ये जितनी भी यहाँ पर बहस हुई, अभी जो बहस का आगाज़ किया पीर साहब ने, उन्होंने एक वाक्या सुनाया और ये उस वाक्य में कहा कि उम्मत को मर जाना चाहिए, तो हम जिंदा हैं? हम अगर जिंदा होते तो इस सुकून से यहाँ पर बैठ के इसके ऊपर बहस ना कर रहे होते, दिल फट चुके होते, उस वक्त का सोच रहे होते कि जिस वक्त उस कमली वाले के सामने जाएंगे तो अपने ही अरके नदामत में डूबे हुए होंगे। और मेहर साहब ने कहा कि हमें एक डेलीगेशन बनाने चाहिए और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के पास जाना चाहिए। क्या वो इस्लामी ममालिक सोए हुए हैं? इधर मुंह करके बात कर लूं। मोहतरमा सायरा बानो साहब, तो मैंने कहा, जैसे कि मेहर साहब ने कहा कि एक डेलीगेशन हुकूमती बनाना चाहिए और मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के पास जाना चाहिए, तो क्या वो इस्लामी ममालिक सोए हुए हैं या वो दुनिया से कटे हुए हैं? तो जनाब स्पीकर, बात यह है कि बात तो हम करते हैं कि इस्लामी बरादर मुल्क, बरादर मतलब भाई। एक कहावत है कि अगर भाई हो तो ये भी बता दो कि हाबील या काबिल, कि इन दोनों में से कौन से भाई हो। अगर आप अपने इस्लामी ममालिक की बात करते हैं तो इंडिया से क्या तिजारत से लेके बहरीन की अफवाज से लेके उनकी हर चीज़, सारे मुफादात उनके साथ जुड़े हुए, तो ये हम कहानियाँ किसको सुना रहे हैं? ये सिर्फ करारदाद, मैं करारदाद इंडिया पे तो लानत बेशुमार खुदा और उसके फरिश्तों की, लेकिन मैं मजम्मत पेश करती हूँ अपने 5600 कॉल्ड इस्लामी ममालिक की, जो बैठ के ये सिर्फ सुन रहे हैं और एक बयान आ जाता है, मजम्मती बयान आ जाते हैं। क्योंकि जब तलवारों को जंग लग जाते हैं तो वो लड़ने के काम नहीं, वो रक्सो ताउस और उसके काम आती हैं। शुक्रिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, इसलिए कि वो मुझे तो लगता है कि मुझे अपनी खुद ही की मजम्मत करनी चाहिए। और ये भी बता दूं कि इस वक्त हम लोग जिंदा उम्मत बिल्कुल भी नहीं है।